नमस्कार दोस्तों, गौतम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैं तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों पे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूँ कि इस YouTube चैनल के द्वारा मैं डिजिटल और ITI से रिलेटेड अलग अलग ट्रेडों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे दोस्तों मैं आज आपको ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको फोर्थ लेक्चर में आपको बताया था कि हैमर के कितने पार्ट होते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, दोस्तों वैसे ही मैं आज आपको हैमर के टाइप बताने वाला हूं, उसके प्रकार बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हैमर यानी कि हथौड़ी या एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने घरों में या किसी भी कंपनी या कहीं पे भी हम उस हैमर का आसानी से यूज करते हैं। दोस्तों, वह हैमर एक ऐसी हैंड टूल है जो हम किसी भी वस्तु पर घात करते हैं, तो घात करने से क्या होता है कि दोस्तों वह उसमें जब हम किसी वस्तु पर घात करते हैं उसमें तन्यता आती है, यानी कि वो सपाट हो जाती है, और किसी वस्तु पर हम घात कर किसी राउंड वस्तु पर घात करते हैं तो वह अंदर की तरफ चला जाता है और उसे निकालने के लिए, और अगर हमें बाई चांस अगर वो निकलने लगते या आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो हम उसे निकालते हैं, तो हम अलग अलग हैमर, मतलब दोस्तों कि हम जब काम करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ कैसे यूज करते हैं, मतलब वो चीज़ अपने कामों के अनुसार निर्धारित होता है कि हमें कौन से काम के लिए कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। वैसे ही दोस्तों, मैं बता दूँ कि हैमर भी जो एक टूल्स है वह अपने कामों के अनुसार उस टूल्स के अलग अलग हैमर यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं कि लकड़ी काम करने के लिए लकड़ी का हैमर यूज करते हैं, सादा काम करने के लिए सादा हैमर यूज करते हैं, और भारी काम करने के लिए वजनदार हैमर यूज करते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैमर है, जो आपको हमेशा यूज होने वाले हैमर है यानी हथौड़ी है, उसकी में कितने टाइप होते हैं और क्या कैसे काम करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं, हैमर जो एक है ये ITI से रिलेटेड टूल्स है और यह फिटर ट्रेड या अलग टेक्निकल हैंड में भी इसका यूज होता है। दोस्तों, इस हैंड टूल्स के माध्यम से आपको बता दूं कि यह ITI के पेपर में या ITI के क्वेश्चन में जब पूछते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन दोस्तों हम उस पर गौर नहीं करते। दोस्तों, आज मैं उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है टाइप ऑफ हैमर, तो दोस्तों हमें वही नहीं मालूम रहता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे मैं आपको पार्ट के बारे में बताया था, वैसे मैं आपको एक प्रकार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं कि पहला मैं आपको पार्ट बता दूं कि इसका हैमर का पहला प्रकार है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर एक यह साधारण हैंड टूल है और यह इसकी जो फेस साइड होती है वह सपाट होती है, और जो इसके विरुद्ध बाजू होती है, मतलब उसके सामने वाली फेस होती है, वह गोल यानी बॉल जैसा होती है, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, कहीं पे भी हम आसानी से हम घात करते हैं तो वह हमें आसानी से घात करने में मदद मिलती है। तो जैसे मैं बता दूँ, कोई भी हम टूल यूज करते हैं, जब तक हमें उस टूल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती है तो हमें उस टूल्स का यूज नहीं करना चाहिए। जब हम दोस्तों हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मालूम होती है तो हम उस टूल्स को यूज करते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हमें उससे नुकसान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं बता दूं कि यह जो बॉल पेन हैमर है यह हार्डनिंग और टेम्परिंग किया रहता है इसमें, और यह हाई कार्बन स्टील से बनाया होता है। और इसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग क्या रहता है, दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ हार्डनिंग और टेम्परिंग क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में। जैसे कि दोस्तों, हार्डनिंग और टेम्परिंग करने से जो वस्तु होती है, जो टूल्स होती हैं, उसमें मजबूती यानी कि स्ट्रांग हो जाती हैं, और जब हम हार्डनिंग और टेम्परिंग नहीं करते हैं तो वह कमजोर रहती हैं, यानी कि वह नरम रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूँ, इस हैमर के द्वारा
हम रिमिंग करते हैं और चिपिंग के लिए इस हैमर का यूज करते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी टूल्स को यूज करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों पे उस चीज़ का यूज करते हैं करना चाहिए हमें उसके बारे में नहीं मालूम रहेगा तो हम उस चीज़ का यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूँ इस हैमर का यूज हम अधिकतर चिपिंग और रिमिंग के लिए ही यूज करते हैं। दोस्तों जैसे मैं बता दूँ जितने भी सारे टूल्स हैं उनके एक भारतीय स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उनके एक मेजर होते हैं और उनकी एक समय सीमा होती है। दोस्तों वैसे मैं भारतीय स्टैंडर्ड जैसे मैं बता दूँ इस पहले प्रकार में बॉल पेन हैमर का भारतीय स्टैंडर्ड BIS जिसको बोलते हैं BIS में जिसको मैं इसका जो कि इसका वेट यानी वजन बता दो 0.11 से लेके 0.91 तक इसका वजन रहता है। दोस्तों जैसे हम इजी काम करते हैं जैसे हम सिंपल काम करते हैं तो उसकी साइज उसकी जो वजन रहती है वो 0.33 यानी 0.33 किलो का रहता है और जब हम मिडल काम करते हैं तो उसके लिए 91 किलो का रहता है और सबसे जो हम भारी काम करते हैं यानी वजनदार काम करते हैं तो उसके लिए भी हम 0.91 का कार्य करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूं कि इतनी वजन का इस हैमर में पावर होता है कि दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ पर घात करते हैं तो उसमें आसानी से उस घात करने से उसमें प्रोग्रेस यानी कि उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो दोस्तों जैसे मैं पहले आपको पहला प्रकार का इन्फॉर्मेशन बताया उसी में दूसरे प्रकार का इन्फॉर्मेशन आगे देने जा रहा हूँ। जैसे दूसरा प्रकार इसका है क्रॉस पेन हैमर भी यह बॉल पेन हैमर जैसा ही होता है। इसका क्रॉस बना रहता है जो इसका फेस साइड है यह क्रॉस बना रहता है और इसमें क्या होता है कि इसके जरिए हम अनेकों प्रकार के मतलब जहाँ पे हमें कॉर्नर या क्रॉस रहता है उसके द्वारा हम अधिकतर काम कर लेते हैं जो कि जॉब में कहीं पे भी पत्रे काम होता है इस क्रॉस पेन हैमर के द्वारा हम पत्रे का काम करते हैं। पत्रे में जो कि नारियल बनाए रहते हैं या अलग तरह के डिजाइनिंग बनाए रहते हैं इस क्रॉस पेन हैमर के द्वारा हम कार्य करते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको पहले प्रकार में भारतीय स्टैंडर्ड BIS के बारे में बताया वैसे ही इसके बारे में भी मैं आपको इसका BIS जो है इसका भी 0.11 से लेकर 0.91 किलो का है। तो इतनी मतलब दोनों का कंपेयर सेम है, वजन भी सेम है, दोस्तों काम थोड़ा बस इसमें डिफरेंट है। तो अलग अलग जैसे मैं बताया अलग अलग कामों के लिए अपने अपने आकार और आयतन के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं वैसे ही दोस्तों जैसे वह रिमिंग और चिपिंग के लिए यूज होता है या पत्रे के काम के लिए यूज होता है। दोस्तों इसके तीसरे प्रकार में मैं देखूं तो आता है स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर में क्या होता है दोस्तों इसका भी सेम वैसा ही रहता है, इसका भी जो फेस साइड है वो चपटा रहता है और इसमें आई होल में हैंडल बिठाया रहता है और इसका अधिकतर भाग हैंडल पर ही निर्धारित रहता है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि यह जो हैमर है इसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें हमें जब हम किसी चीज़ पे घात करते हैं तो उस घात के जरिए हम इसे आसानी से यूज कर लेते हैं। दोस्तों जब हम किसी धातु पर हम घात करते हैं तो उस धातु में तन्यता यानी कि उसमें फैलने लगती है और उसमें यह भी जो क्रॉस पेन हैमर में बताया कि ये भी जो हैमर है यह भी एक सीट के धातु पर ही यूज किया जाता है। सीट धातु जो है दोस्तों इसमें भी पत्रे जैसे नाली या उसमें डिजाइनिंग के लिए इस हैमर का यूज करते हैं। इसके अगले स्टेप में देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार जो है इसका स्वेज हैमर। दोस्तों यह अत्यंत भारी होता है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं इस हैमर में दूसरे के हैमरों के भारी इसकी वजन ही सबसे ज़्यादा होती है और यह लोहारों के पास जैसे दोस्तों जब लोहार
किसी चीज़ को गर्म करके उसकी उसकी उसके ऊपर घात करते हैं तो वह ऑटोमेटिक उसमें तन्यता आने लगती है, यानी कि वो फैलने लगता है। और उसको जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वह उसको घात करने से पहले हमें नहीं देखते वो ठंडा है या गर्म है, उसको हम जैसा रहता है उसी अवस्था में उस पर हम घात कर देते हैं। तो दोस्तों जो इसका जो वजन है, वजन में बता दूँ सबसे ज़्यादा वजन 2 किलो से लेकर 10 किलो तक इसका वजन रहता है। तो दोस्तों मैं आगे इसका मैं अगला प्रकार बताने जा रहा हूँ, जो कि इसका अगला प्रकार है 5वां नंबर सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर यह एक नरम धातुओं पर यूज किया जाता है। इस नरम धातु में दोस्तों क्या क्या आता है, तांबे आ गया, पीतल आ गया, सीसा आ गया, जैसे ऐसे धातुओं पर सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। तो सॉफ्ट हैमर के द्वारा जैसे दोस्तों नरम धातु पर जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी वजन भी कम रहती है और उसमें ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे हम आराम आराम से काम करते हैं तो वह मतलब आराम आराम से उसमें फिनिशिंग आती है, तो हमें उस हैमर के द्वारा हमें आसानी से किसी भी मेटल पे काम करने में आसानी मिलती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ जैसे इसका जो मशीन का जो पार्ट होता है, जो जैसे कि हम मशीन से कोई भी काम करते हैं, मशीन से जो कि जैसे गियर वगैरह हो गया, अलग अलग तरीके के पार्ट हम मशीनिंग द्वारा बनाते हैं, तो वो जो जब मशीन से बना के निकलता है तो उस मशीनिंग के द्वारा जब हम फिटिंग वगैरह कहीं करते हैं तो इस हैमर का यूज करते हैं। अब अगले प्रकार में मैं आपको बता दूँ कि प्लास्टिक का भी हैमर होता है, जो कि हम प्लास्टिक के कार्यों के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आज तक तो हम प्लास्टिक के चीज़ों को अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का बॉटल देखते थे और अलग अलग टाइप के कई प्रकार के मतलब पॉलिथीन देखे थे प्लास्टिक के, और कई जगहों पे अलग अलग कार्टून जैसे भी प्लास्टिक के बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कार्यों के लिए भी हैमर बनाए गए हैं। वैसी दोस्तों एक प्लास्टिक का हैमर भी होता है, जो कि हम प्लास्टिक की जब वस्तु यूज करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ बनाई होती है। तो जैसे वही जब हम प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं तो उसके लिए भी टूल्स तो कोई कुछ ना कुछ बनाए होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी एक प्लास्टिक का हैमर भी बनाया गया है। उसके मैं बता दूँ यह स्टीलों के द्वारा बनाई गई है। स्टील के द्वारा बनाने से क्या होती है दोस्तों, यह हल्की होती है और इसमें हल्की होने के कारण वह धातुओं पर आसानी से तन्यता, यानी कि वह आराम आराम से उस पर घात करता है। घात करने से क्या होता है दोस्तों, जब हम ज़्यादा घात देते हैं उसमें ज़्यादा तन्यता आती है, और जब हम कम वजन का हैमर यूज करते हैं तो उसमें कम तन्यता आती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फिटिंग का जब पार्ट आते हैं, जैसे जब हम मशीनिंग वगैरह से निकालते हैं, जब हम कहीं एक मेल फीमेल को फिटिंग करते हैं, इस प्लास्टिक हैमर का यूज करते हैं। अब मैं 7वां प्रकार बता दूं दोस्तों कि रॉ हैंड हैमर में क्या होता है कि जैसे रॉ हैंड फाइल भी होता है, उसी प्रकार रॉ हैंड हैमर भी होता है। उसी यह इसका बॉडी क्या होता है, प्राय इसका भी सेम प्लास्टिक जैसा स्टील से बनाया होता है, और यह कच्चे मालों पर यूज किया जाता है, जो कच्चा चमड़ा होता है। ये रॉ हैंड हैमर होता है, यह कच्चे चमड़ों पर यूज किया जाता है। जैसे हम चप्पल वगैरह बनाते हैं, बेल्ट वगैरह बनाते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम रॉ हैंड हैमर का यूज करते हैं। और यह सॉफ्ट हैमर के जैसा ही कार्य करता है, इसमें मतलब इन दोनों प्रकार में ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आगे बता दूं कि ये जो 7 प्रकार में बताया, और इसमें जो एक मैं आपको बता दूं कि रॉ हैंड हैमर में हैमर के जरिए एक मेटल हैमर भी होता है, जो कि वह अधिकतर लकड़ियों के लिए यूज किया जाता है। लकड़ियों के लिए यूज करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम सीट बनाते हैं, सीट को मोड़ते हैं, या हम उसमें अधिकतर फिनिशिंग देने के लिए या किसी को फिट करते हैं, जैसे हम बताया कि मेल फीमेल को भी फिटिंग करने के लिए हम अलग अलग हैमर का यूज करते हैं, वैसे ही हम
मेटल का यानी कि लकड़ी का भी हम यूज करते हैं हैमर। तो उस हैमर कौन यूज करता है दोस्तों, मैं बता दूं, बड़े ही लोग जो काम करते हैं उस हैमर का यूज ज़्यादा करते हैं। तो जैसे मैं बताया ये 7 प्रकार हैमर का, हैमर के ये जो 7 प्रकार हैं यह कहीं ना कहीं आईटीआई से रिलेटेड हैं। अलग अलग टेक्निकल हैंड में इस टूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टूल्स के माध्यम से अलग अलग के इंफॉर्मेशन अलग अलग कार्यों में यूज किया जाता है। दोस्तों जैसे मैं बता दूं, हैमर का जो हैंडल होता है उसका भी एक एज होता है, उसकी भी एक समय सीमा होती है और उसको भी कितने एमएम में कितने साइज में उस हैमर के अंदर फिट किया जाए यो ताकि आसानी से बैठ जाए। और हम जब कोई कार्य करते हैं उस कार्य करते समय हम घात करते हैं तो उसे हमें पकड़ने में भी मदद मिले और घात करने में भी मदद मिले। तो जैसे मैं बता दूं, जैसे ये उड़ जैसे वो उसका जो हैंडल होता है वो जो जिससे उसमें गाट होता है, गाट के जरिए गाट उसमें नहीं बना, बिना गाट का वो यूज किया जाता है। और यह एक साधारण कारण जो मैं बता दूं दोस्तों, यह सिंपल सा 25 से 32.5 mm का यह हैंडल होता है। 25 से इसका जो जहाँ पे हम जो आई होल में फिट करते हैं वह 25 के इतनी साइज का इसमें फिट करते हैं। जो इसका पूरा हैंडल होता है इसके 25 से मतलब 25 से लेकर 32.5 तक सेंटीमीटर इतना लंबा होता है। और जब हम बड़े काम के लिए यूज करते हैं जैसे स्वेज हैमर हो गया, उसका हम 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर का इसकी लंबाई होती है। जो कि जैसे दोस्तों मैं बताया था कि जैसा हम काम करते हैं, जैसा हम सामान यूज करते हैं वैसे ही हम टूल्स भी यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों जैसे स्वेज हैमर ये अत्यंत भारी होता है और मजबूत होता है, वैसे ही इसके लिए भी जितना बड़ा वजनदार है उतनी बड़ी हमें हैंडल भी लगानी उसमें आवश्यक पड़ती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस हैंडल के द्वारा हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि वो जो हम जब हैंडल को फिट करते हैं वो जो आई होल होता है वो एक अंडाकार होता है और अंडाकार में हम फिट करते हैं तो जो उसकी जो हम साचा बनाते हैं उसमें आई होल में फिट करने के लिए उसकी जो साइज होती है दोस्तों, मैं उस साइज को मैं बता दूं कि उसकी साइज 20 mm से लेके 25 mm तक इतनी होती है और बड़ों में 2 से लेके 5 mm तक चौड़ा होता है। लंबा कितना होता है दोस्तों, 20 से लेके 25 तक यानी कि 25 mm तक लंबा होता है और 2 से लेके 5 mm तक उसकी चौड़ाई होती है। तो और उस चीज को इस्तेमाल कैसे करें, उससे कौन सी सावधानियां बरतें दोस्तों, जैसे मैं बता दूं पहले किसी भी टेक्निकल हैंड में जब हम किसी चीज का जब उसमें कोई ना कुछ पार्ट टूट जाता है तो हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जो हैमर है अगर उसका जो हैंडल टूट जाता है या कहीं पे भी उसका जो फेस साइड है वह ज़्यादा उसमें घात आ जाता है, उसे हमें नहीं यूज करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके जरिए हमें अपने ऊपर नुकसान पहुँचाता है यानी कि अपने बॉडी पर भी उसकी प्रभाव पड़ता है। और दूसरे इस्तेमाल कर क्या क्या सावधानियां उससे रखनी चाहिए दूसरे नंबर में कि जैसे दोस्तों हम उसके हैंडल में या उसके फेस साइड में हैमर में ऑयल नहीं होनी चाहिए। ऑयल होने से क्या होता है दोस्तों, हम जब हैंडल पकड़ते हैं या उस पर हम ऑयल लगा रहता है तो हम किसी वस्तु या किसी धातु पर घात करते हैं तो ऑयल के जरिए क्या होता है, ऑयल स्लिप करने से हमें क्या होता है उसके द्वारा हमें प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों मैं इन्हीं सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हुए और हैमर के टाइप बताते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।